इतना मजा आया कसम से, नाश्ते की मेज पर उस लड़की ने ऐसे पटक पटक कर जवाब दिए कि सुहेब की तो बोलती बंद हो गई। और तो और तुम्हारे सास ससुर उनके मुंह तो खुले के खुले ही रह गए, और नवीन को इतनी बातें सुनाई मेरे तो दिल में ठंड पड़ गई कसम से। अगर तू होती ना बड़ा मजा आता, मिस किया तुमने। हैं? और क्या कहा उसने? और क्या कहना था, मैं तो उस लड़की को देख के दंग रह गई। ऐसी ऊपर से दनदनाती हुई नीचे आई, और ना कोई सेवर, ना काम के कपड़े, ना कोई मेकअप, ऐसी होती है भला दुल्हन। तो अंकल आंटी ने कुछ कहा नहीं? उन्होंने क्या कहना था, मासूम सी शक्लें बना के बैठे थे, लेकिन पता चल रहा था अंदर ही अंदर पक रहे हैं, गुस्से से उबल रहे हैं बेचारे। सुहेब को अकेले में डांटेंगे, देख लेना आज शाम आएगी उसके। रहने दे अम्मा, सुहेब एक नंबर का जनमुरीद है, सरबाप की तरह नहीं है जो माँ बाप की डांट खाकर चुप हो जाए। तो देख लेना, अपनी बीवी के लिए वो जरूर आवाज उठाएगा। तुम्हें इसीलिए कहती हूँ कि सरबाप को अपनी मुट्ठी में कर लो, और कुछ नहीं तो नवाल से सीखो। एक ही रात में उसने शौहर को कैसे जनमुरीद कर लिया। इतनी भी कोई चालाक नहीं है वो, और मुझसे ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। माना उसके पास दौलत का हथियार है, लेकिन खूबसूरती और चालाकी दोनों मेरे पास है, इससे नहीं जीत सकती वो। वो कहते हैं ना, अगर हरीफ दमदार हो तो लड़ने का तभी मजा आता है, और नवाल उसमें ऐसे कोई गट्स है ही नहीं। तो तू बेफिक्र हो जा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इस पूरे घर पे अकेली राज करूंगी, और नवाल को किसी ने पूछना भी नहीं। इंशाल्लाह, तेरे मुंह में घी शक्कर, लेकिन इस वक्त ना मुझे फल खिला दे, दिल जा रहा फ्रूट्स खाने को। लाती हूँ, जल्दी से लाना। हाँ, सिर्फ सेब ना ले आना, कुछ और भी ले आना। अल्लाह, आज तो मजा आ गया खाने की मेज पे कसम से। बड़े समझते हैं अपने आप को तुर्रम खान, मिली ना बच्ची बहू, इनकी इज्जत खाक में मिलाएगी, इनके शमले सारे नीचे कर दिए उसने। मुझे तो बहुत मजा आया कसम से।